हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम सिंह और आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमेडी डांस एंड फनी थिंग विथ SSS में स्वागत है। आज मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कई लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो व्हाट्सएप तो चलाना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिन्हें वो पढ़ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ जिससे वो समझ भी सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है हाई ट्रांसलेट ऐप। मैं सर्च करता हूँ हाई ट्रांसलेट। देखिए ये रहा वो ऐप, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अलाउ कर देते हैं, गेट स्टार्टेड। अब ये कुछ एसेबिलिटी मांगेगा, इसे आपको ओपन करना होगा। हाई ट्रांसलेट गेरा, हम इसे ओपन कर देते हैं। अब हम वापस अपने ऐप में आ जाएंगे। नेक्स्ट, डन, गेट स्टार्टेड। अब आपको ये आइकन दिख रहा होगा, इसे आपको लॉन्ग प्रेस करके इधर उधर कर सकते हैं। अब यहाँ पे योर लैंग्वेज दिख रही होगी और एंड योर फ्रेंड्स लैंग्वेज दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में डालना है हिंदी। हिंदी डाल दी हमने। अब योर फ्रेंड्स लैंग्वेज में आएंगे आप और यहाँ आपको डालना होगा इंग्लिश। ये रहा इंग्लिश। अब आपको सिंपली ये आइकन इधर दिख रहा होगा, ये रहा। सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपको इस आइकन को उस मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके उसके ऊपर ले जाना होगा। और देखिए गुड मॉर्निंग लिखा है और इसका हिंदी में हो गया सुप्रभात, जिससे आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। नमस्ते, व्हाट इज़ योर नेम का हो गया तुम्हारा नाम क्या है। हु आर यू का हो गया तुम कौन हो। हाउ आर यू, क्या हाल है। आपने देखा, ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे आप जो नए वीडियोस डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। गुड बाय।